बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आमद यकूब को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने इंटरव्यूज में पाकिस्तानी अदाकाराओं के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है, और उन अदाकारों में से बाज़ अदाकाराओं ने इन्हें मुँह तोड़ जवाब भी दिया है, जिसकी वाज़ह मिसाल है कि एक इंटरव्यू में सबूर अली ने आमद यकूब की इंसल्ट की है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आमद यकूब और ऐमन खान की, क्योंकि जब आमद यकूब ने ऐमन खान के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो ऐमन खान ने डॉक्टर आमद यकूब को खूब सुनाई। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं, ताकि सभी से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहे। आमद यकूब नामवर स्कॉलर होने के बावजूद बहुत सारी अदाकाराओं से सर फिरवा चुके हैं। कुछ अर्सा पहले आमद यकूब ने ईद इंटरव्यू किया था, जिसमें आयशा खान के साथ साथ ऐमन खान, आयशा अमर, निमरा खान, हिना अल्ताफ भी शामिल थे। इस लाइव इंटरव्यू में आमद यकूब ने एक बेतुकी सी गेम का आगाज किया, जिसमें उन्होंने ऐमन खान को एक चैलेंज किया कि वो अपनी अदाकारी के स्किल्स के साथ इस चैलेंज को कबूल करें। ऐमन खान ने इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा तरीके अपनाए, लेकिन डॉक्टर आमद यकूब बारहा एक ही लफ्ज़ कह रहे थे कि ऐमन खान अपनी अदाकारी के जरिए इन्हें ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। बार बार एक ही बात सुनते हुए ऐमन खान को गुस्सा आ गया। ऐमन खान ने इस सिचुएशन को छोड़ दिया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। ऐमन खान की सीट पर जाते हुए बैठ कहने लगी कि मैंने इस जैसा बदतमीज और डीप इंसान आज तक नहीं देखा। ऐमन खान के बारे में कहा जाता है कि वो कूल माइंड है और वो बहुत कम गुस्से में आती हैं, लेकिन आमद यकूब की इन हरकतों की वजह से फाइनली ऐमन खान ने अपने गुस्से का इजहार कर ही दिया। तो नाज़रीन, आप इस वीडियो के मुतालिक क्या कहेंगे? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।